पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है सर, क्या क्या क्यों कहते हैं ये लोग? इंडिया बेसिकली हमारा दुश्मन है। वो जो भी कहे हमको उसको मान तो नहीं हमने लेना। तो अमेरिका भी कहता है जो भी कही जाए उसके हम डिलीवर नहीं कर सकते, ये हमारे लिए तस्लीम करना मुश्किल है। उसको दुनिया में बहुत नेगेटिव इमेज बन रहा है दुनिया के ये कहने से। वो बनता रहे लेकिन वजाहिदु मतलब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनफिरु खिफाफम व सिकालम वजाहिदु बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम। आज से आप 1400 साल पीछे जाए ना कि अल्लाह ताला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी, क्यों लड़ी, किस लिए लड़ी गई। तो मेरा यही आपसे जवाब है कि हमने 1400 साल पीछे जाना ना कि आगे जाना है। सर देखिए ना, अगर दुनिया कह रही है तो आपको भी पता है यूएन के अंदर या फिर ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान गया, तो सर अब ये पाकिस्तान का इमेज बड़ा गंदा बन रहा है ना, बुरा बन रहा है। दुनिया के कहने से कुछ नहीं होगा, बुरे हालात हम पे आ रहे हैं ना। नहीं देखें, हालात हम पे इस वक्त कुछ बुरे नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो देखें वो जो लोग थे कि उनके पास 3-3 दिन खाने के लिए कुछ नहीं था, वो लोग एक एक खजूर पे गुजारा करते थे। अब एक एक चादर होती थी, वो सहाबी जो होता था वो मस्जिद में होता था नमाज के लिए, घर में उसकी अहलिया बैठी होती थी कि वो आएंगे और मैं नमाज पढ़ूंगी। मेरे कम से कम 10 सूट मेरे घर में पड़े, मैं गरीब हूँ। तो इस ये सिर्फ हमने अपना माइंड सेट बनाना है कि हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है उसके ऊपर अमल करेंगे तो हम गरीब भी नहीं है, हम ना टेररिस्ट हैं। हमें अपने हमारे लिए ना लकद काना लकुम फी रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, हमारे लिए वो हमारी जो है कि हमारी लाइफ जो है कुरान पाक के मुताबिक होनी चाहिए। अगर हम बात करें कल की बात करें तो कल आपको भी बताओगा, आप तो महकमे में है, आपने तो ज्यादा देखा होगा सर। कल कराची के एक शहर में, कराची शहर में हॉस्पिटल में दाऊद इब्राहिम जो है वो क्या कहते हैं पॉइजन किसी ने अननोन बंदे ने दे दिया उन्हें, और वो टेररिस्ट आपको बताया एक्टिविटीज में थे और कराची के शहर से निकले। सर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान से, हम कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से टेररिस्ट निकल आते हैं। सर टेररिस्ट कहाँ से आते हैं फिर? नहीं ये टेररिस्ट बेसिकली मैं एक मुलाजम हूँ, मैं आपको इस वक्त जवाब नहीं दे सकता जो मेरे जहन में है। तो आप भी जानती हैं, सभी लोग जानते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं पाकिस्तान दुनिया में। मुलाजम है और आप फ्रीडम नहीं रख रहे। रा मोसाद ब्लैक वाटर ये 3 तंजीमें काम कर रही हैं हमारे खिलाफ, वो वही ला रहे हैं और उसमें चंद जो यूं समझ लें उन्हीं के लोग हैं। अच्छा, ये उन्हीं के लोग हैं। हम मुझे अगर कोई कहे ना कि मैं आपको प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बना दूंगा तो आप जो है ना धमाका कर दे। मुझे पता है कि एक बंदा दही लेने के लिए गया हुआ है घर से, चने लेने के लिए गया खड़ा हुआ है, अपने बच्चों की कोई जरूरत की चीज लेने गया खड़ा है, तो क्या मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि वो अपनी जरूरत के लिए गया और मैं बम फटा दूं वहां जाके? मतलब इंडिया का राह का रहा है ये राम मुसाद ब्लैक वाटर, बहुत सारी तंजीमें हैं दुनिया में। आपने इंडिया के राह की बात की है, इंडिया का राह जो है वो कुछ अरसे से कह रहा था पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्द है, लेकिन पाकिस्तान के फोर्सेज कहते थे कि नहीं है, लेकिन अब कल निकल आया सर। नहीं कहाँ निकल आया वो कलभूषण? कौन था कलभूषण? उनका हमारे इधर आके भर्ती हुआ है। कलभूषण यादव एक हिंदू था और उसने अपना इधर नाम मुस्तफा रखा हुआ था। अच्छा। हमने उसको पकड़ा है। उसामा बिन लादेन? नहीं उसामा बिन लादेन ये बहुत लंबी बहस है। तो बाकी बातें छोड़े जो कल निकला है वो नहीं, मैंने वो अभी न्यूज नहीं देखी, अगर मैंने देखी होती तो मैं आपको उसका जवाब दे देता। अच्छा, जो आपने इंडिया का कहा है कि मुस्तफा जिसने नाम रखा था उसका क्या किया था फिर हमने? तो उसको हमने एक निशाने के लिए रखा हुआ है कि जब वो बात करते हैं कि ये लो अपना ये अभी जिंदा है, दुनिया अभी तक जिंदा है मेरे ख्याल। अच्छा, तो इंडिया ने कुछ कहा नहीं कि भाई सच में ये हमारा है कि हमें दो, हमारा दो। अच्छा, ये आप आसिया मलूना को देख लें, वो अब कहाँ से कहाँ चली गई, उसकी हिस्ट्री आपने पढ़ी, शेखपुरा एक भट्टे पे वो काम करते थे, तो ये बहुत लंबी हिस्ट्री है। इसको आप मतलब हम पे जो तोहमत है वो इंडिया लगवाता है? इंडिया अब वर्ल्ड लगा रहा है, पूरा वर्ल्ड लगा रहा है, इंडिया नहीं। जितना भी ये के कुरान पाक में है ना कि यहूदी नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो आप उसको देखें कुरान पाक, नऊज बिल्लाह दुनिया इधर किधर हो जाए वो तो झूठ नहीं है ना। मतलब हमें नीचे गिराना चाहते हैं सारे जी। हम गिर रहे हैं? नहीं सर, हमारी मोशन गिर गई है ना। मोशन बहुत, ये मैंने कहा कि मैं एक मुलाजम हूँ, मैं आपको इस वक्त नहीं जवाब दे सकता, काइंडली आप इसको एक सीक्रेट रखें। थैंक यू सर। गलत बयान नहीं करते हैं, गलत कहते हैं। हां जी, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। तो सर पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्द जो लोग हैं, पहले आपको पता होगा, पहले भी बड़े अरसे पहले उसामा बिन लादेन भी पकड़े गए, रात को दाऊद इब्राहिम कराची से निकले, दहशतगर्द है वो सर, फिर पाकिस्तान से क्यों निकलते हैं? नहीं नहीं, वो तो कोई आ जाता होगा, हमारा कोई तलक नहीं दहशतगर्दी। कहाँ से आ जाता होगा?
बॉर्डर क्रॉस कर लोग आ जाते हैं, हमारे बॉर्डर खाली हैं ये अफगानिस्तान के, आपको पता ही है। इतना आसान है बॉर्डर क्रॉस करके आना, वो आ जाते हैं छलांग लगा के, ये सारे आ जाते हैं। तो सर बॉर्डर पे हफाजती हमारे वो भी बैठे हुए हैं ना, तो इतनी आसान है ऐसे छलांग लगा के आ जाओ, टेररिस्ट आ गया। सिक्योरिटी है ना हमारी, सिक्योरिटी किधर गई, हमारी तो हिफाजत करने ना वो लोग, फिर कैसे आ गया टेररिस्ट इतना। नहीं हमने तो हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ ही बात की हमारे मुल्क, हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ बात की, लेकिन हमेशा पाकिस्तान से दहशतगर्द निकला था, क्यों बात ये पता नहीं किधर से निकालते हैं, ये सब झूठ है। बेसिकली सवाल मेरा ये है, मुल्क के हालात अगर हम देखें तो आपको भी पता होगा कि दुनिया जो है इस टाइम, इंडिया हो जाए, अमेरिका हो जाए, जो भी है बड़ी बड़ी ताकतें, वो कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्द निकलते हैं और पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी में मुलव्वस रहता है, ऐसा कहा जाता है, क्या वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं? गलत कहते हैं, जाहिर बात है हमारा मुल्क ऐसा तो नहीं है ना, एक इस्लामी मुल्क है, उन्होंने तो जाहिर गल है जो उनसे गैर मौजम है उन्होंने तो प्रोपेगेंडा ही करना है इसके खिलाफ। अल्लाह का शुक्र है हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है और अमन और सलामती वाला मुल्क है और अमन का ही पैगाम देता है इस्लाम, तो ये उनका प्रोपेगेंडा ही है, ये गलत है बिल्कुल। सर वो कहते हैं और इस बात का सबूत भी देते हैं, तो सर सबूत कहाँ से आते हैं फिर? अब सबूत का तो इस मारे जाहिर बात है ये भी उनका कोई प्लान ही होगा या कोई इस तरह का करते होंगे, अच्छा। तो जो दे देते होंगे जाली वगैरह या वैसे, लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। अब हम अब इस मुल्क में हम रहते हैं, ये अल्लाह ने हमें मुल्क अता फरमाया है, तो अब इसके बारे में जाहिर बात दूसरों ने तो गलती कहना, इसके तो पीछे पड़े हुए दहशतगर्दी से अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज फरमाए, हम दुआ भी करते हैं और अल्लाह ताला इन चीजों से भी महफूज फरमाए जो इल्जाम लगाते हैं। तो हम सर जब वो सबूत देते हैं तो पाकिस्तान मनवा क्यों नहीं सकता, पाकिस्तान मनवाता क्यों नहीं है कि भाई हमने ऐसा नहीं किया? ये तो चाहिए पाकिस्तान को कि भाई आप अगर वो ऐसा करते हैं तो आप भी मुसबत जवाब दें उनको कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल उस तरीके से, ताकि उनको वो होए कि वाकई भी इस तरह नहीं है। तो पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान के पास इतनी पावर नहीं है, सरबरा है, एटमी मुल्क है हमारा, और इंडिया का जो उत्तर प्रदेश है उसका जीडीपी पूरे पाकिस्तान के जीडीपी के मुताबिक है। सो बेसिकली दिस इज द आंसर ऑफ योर ओन क्वेश्चन, मतलब क्यों यार वो कैसे तरक्की कर गए? देखिए इंडिया भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था, बकौल उनके उन्होंने हमसे आजादी ली और बकौल हमारे हमने उनसे आजादी ली, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट जब डिवाइड हुआ तो ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ टू कंट्रीज जो है वो बने, पाकिस्तान एंड इंडिया। अब वो भी हमारे साथ साथ थे और पैरेलल हम भी उनके साथ चले हैं, तो फिर आज ये सवाल उठता है कि हमारी इकोनॉमी क्यों इतनी डाउन है और वो क्यों मतलब इतना कह लो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो बेसिकली इसका सादा सा जवाब यही बनेगा, मैं आपको जो पहले बता चुकी हूँ, हमारे मुल्क को चलाने वाले हमारे अपने लीडर्स ही हमारे साथ सिंसेयर नहीं है, वो अपने ओन स्टेट कह लो कि दे आर नॉट सिंसेयर विद देयर ओन स्टेट, तो फिर इकोनॉमी कहाँ की इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी, वहाँ का मोदी सिंसेयर है? मैं देखिए मैं सिर्फ इस वक्त करंटली पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, आप कंपैरिजन में लेके जा रही हैं तो ऑब्वियसली अगर मोदी सिंसेयर हो या ना हो, इंडिया फिर भी आज इकोनॉमी में बहुत ग्रो कर चुका है, ठीक है। तो अब ये सवाल बहुत छोटा हो जाता है कि मोदी आइदर मोदी सिंसेयर और नॉट। लेकिन देखो ना पाकिस्तान तो कहता है कि हम कश्मीर जब भी कोई इकदार में आता है, भी इवन के हमारे रिसेंटली काकर साहब ने कहा है 300 जंगे करेंगे हिंदुस्तान से, भाई मोशे सही नहीं हो रही तो जंगे क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, किन्होंने कहा है? ये हमारे पीएम जो अभी के हैं काकर साहब। एग्जैक्टली पहली तो बात ये है कि मैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर मानती हूँ, ठीक है, जिस किस्म के मेंटालिटी के और जो उनकी ओके चले लेट्स गेट पर्सनालिटी असाइड, ठीक है, फॉर सम मिनट हम पर्सनालिटी को साइड पर करते तो मैं तो ये समझती नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल है, क्या कर रहे हैं वो आके? हम नहीं समझते तो दुनिया क्या समझेगी? एग्जैक्टली यही तो बात है। जब वो दुबई में सीओपी की मीटिंग के लिए गए थे, आपको पता है उन्हें सबसे पीछे खड़ा किया हुआ था? आई नो क्यों, और आप वो देख लेंगे अभी रिसेंटली जो लम्स वाला वाकया हुआ था, इफ ही इज द प्राइम मिनिस्टर देन वो लम्स में इतना 1.5 घंटा लेट पहुंचे, व्हाई ही शुड बी पंक्चुअल, जो इतना ही नहीं जानता कि वक्त की पाबंदी कैसे की जाती है, वो स्टेट को क्या संभालेगा, मुल्क क्या चलाएगा, क्या हमारा कंपैरिजन बनता है हिंदुस्तान के साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हर आए दिन करते हैं? ऑब्वियसली हमारा सिर्फ इंडिया के साथ कंपैरिजन क्या, हमारा हर उस डेवलप्ड स्टेट के साथ बनता है, चाइना के साथ, चाइना किन लफ्जों में बनता है? आप कंपैरिजन पूछ रही टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, किस तरह बनता है? देखिए इसी तरह बनता है ना कि चाइना एक सेक्युलर स्टेट, इंडिया भी एक सेक्युलर स्टेट अपने आप को कहती है जो कि वो है नहीं, ठीक है, सेक्युलर वो कहते हैं बट आई डोंट थिंक सो कि ही इज अ सेक्युलर स्टेट। कैसे सेक्युलर कैसे माना जाता है? सेक्युलर वो यही इस तरह से कहते हैं कि मतलब उनके कोई वहां पे फिक्स्ड रिलीजन नहीं है, बट इन एवरी कंट्री यू विल सी के पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन आर स्टिल लिविंग, ठीक है, इवन इन पाकिस्तान यू कैन सी दैट।
तो दे क्लेम दे आर अ सेक्युलर स्टेट बट एक्चुअली दे आर नॉट। और जो मैं कंपैरिजन की बात कर रही हूँ वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इस तरह से है कि देखिए वो भी हमारे साथ आजाद हुआ, चाइना से चले हमारा कोई कंपैरिजन है ही, चाइना से तो हमारा कंपैरिजन भी नहीं बनता। चाइना से ज्यादा इस टाइम इंडिया तरक्की कर रहा है, चाइना की कितनी ज्यादा, जो कि अमेरिका बेस कंपनीज थी या फिर कोई भी बेस कंपनीज वो इंडिया जा रही है। इन द एंड ऑफ द डे द मोस्ट यू कैन से पर्टिकुलर थिंग दैट मैटर्स अ लॉट इज योर ओन इंटरेस्ट, your country's interest, your state interest. If you are sincere with your country, your state, obviously आप उसके interest के लिए सोचोगे, ठीक है? आखिरी सवाल है, secular पे आते हैं, जो आपने कहा कि इंडिया secular नहीं है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर इंडिया के अंदर देखो हर तरह का religion, हर तरह का मजहब है और दुनिया ये claim कर चुकी है, list आती है, list के अंदर इंडिया को secular पे first या second number पे रखा गया है और पाकिस्तान को नहीं। पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि मजहब जो है मतलब डिफरेंट मजहब वो इतने सेफ नहीं है जितने इंडिया में है, फिर दुनिया क्यों कहती है ऐसा? दुनिया ऐसा क्यों कहती है कि इंडिया में जो है वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग सेफ है? आई थिंक सो। इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन कवरिंग द फैक्ट दैट दे हेट सम रिलीजन्स, यस लाइक मुस्लिम्स बहुत ज्यादा वो इंतहा पसंद है, ठीक है, जहाँ पे मुसलमानों की, इवन आप मूवीज वगैरह की जो है वो एग्जांपल ले लें, जिस तरह से वो मूवीज के अंदर एक पर्टिकुलर चीज को पोर्ट्रे करते हैं उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने मुस्लिम रिलीजन को क्रिटिसाइज किया होता है, वो अपने पर्सपेक्टिव से उसकी स्टोरी लाइन बनाते हैं और वो चीज वैसे हुई नहीं होती। इफ दे आर मेकिंग सम हिस्टोरिकल मूवीज बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है, तो उसमें वो फैक्ट को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स, ठीक है, एंड समहाउ दिस थिंग कैन हेल्प देम अ लॉट टू ग्रो, इट माइट बी हेल्प देम टू ग्रो। देखो ना आपने कहा वो मैनिपुलेट करते हैं, वो जो दिखाता है दुनिया मानती है भाई, तो यही तो बात है कि जो दिखाया जाता है लोग उस पे बिलीव कर लेते हैं, लोग उसके अंदर इंडल्ज नहीं होते। हम भी दिखाते हैं, हम भी क्यों नहीं इंटरेस्ट करते, हम भी वो कहते हैं नहीं भाई ये तो है ही झूठ है। बस हमारा एक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऐसा इमेज बन चुका है, मुसलमान इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा फैला चुके हैं हमारे हवाले से, ठीक है, कि मतलब इस्लाम तो कैसा रिलीजन है, यू ऑल नो दैट डिबेट, ठीक है। तो इंडिया जो है लोगों का अगर ये क्लेम है, दुनिया का क्लेम है पर्टिकुलरली कि इंडिया में रहने वाले दूसरे रिलीजन बहुत ज्यादा सेम है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा इंतहा पसंद है। अच्छा, ठीक है, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए पर्टिकुलरली, लेकिन फिर भी बदकिस्मती देखो ना वहाँ पे ज्यादा मुसलमान है। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट कि वहाँ मुसलमान भी ज्यादा है इसलिए वो इंतहा पसंद भी उतना ही ज्यादा है, बट स्टिल ऑब्वियसली हमारे कंट्री में भी जो है वो माइनॉरिटीज रहती हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है, यस। और अगर मैं इंडियंस की बात करूँ तो दे आर लीस्ट इन नंबर, ठीक है, और इंडिया में ठीक है रहती है तो भाई उनकी मर्जी है क्या कह सकते हैं अब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इंतहा पसंद है और वो ज्यादा हमारे ही रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हैं। चले भाई ये छोड़ते हैं हमारे व्यूवर्स पे कि इस लड़की के मुताबिक वो इंतहा पसंद है कि नहीं है, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका नाम? साइमा। सर आपका नाम? यासिन मेरा नाम है जी। लाहौर से? कोयटा से। कोयटा से आए हैं। अच्छा मैम, बेसिकली सवाल तो मेरा पूरे पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के हालात किधर जा रहे हैं, मुझे बताइएगा कोयटा के हालात कैसे हैं, वहाँ बिजली के, पानी के और दीगर जरूरियात जिंदगी के कैसे हालात? हालात बहुत ही खराब है वहाँ के, ना पानी है, पानी बस ना होने के बराबर। अच्छा। है तकरीबन तो मिलता नहीं, टैंकर पे गुजारा करते हैं हम लोग। अच्छा। दो दिन बाद टैंकर डलवा लिया तो गुजारा कर लिया, पानी पानी पीने के लिए नहीं मिलता और लाइट वगैरह का बहुत मसला है वहाँ पे, कारोबारी हालात से बहुत बहुत पीछे है। अच्छा जी हाँ, ऐसे ही बस हालात जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें क्या, पाकिस्तान सब जगह हर तरफ है, लेकिन कोयटा में ज्यादा लाइट का मसला, पानी का, पानी का बहुत मसला है वहाँ। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा बलूचिस्तान जो है सबसे पीछे है इस वक्त, जो मैं यहाँ पे रौनक वगैरह यहाँ का जो माहौल देख रहा हूँ उसके मुताबिक हम बहुत पीछे है। और ये समझें कि हर चीज हमें खरीदनी पड़ती है, पानी, गैस, बिजली बिल जो भी है, हम पंजाब में भी हमें भी खरीदनी पड़ती है। और इस वक्त सिर्फ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाबियों को वहाँ पे सुकून है। पहले जैसे टारगेट किलिंग हो रही थी, आए दिन डकैतियां वगैरह हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम लोग अब बचे हुए। किलिंग कौन करता था? मुख्तलिफ पार्टी है, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, पाकिस्तान की है इंटरनेशनल, हम एक का नाम नहीं लिख सकते। नहीं, पाकिस्तान की थी, इंटरनेशनल थी, पाकिस्तानी। अच्छा। पाकिस्तान के बाहर के नहीं है। अच्छा। हो सकता है शायद कोई हो, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तानी पाकिस्तानियों को मार रहा था, मार रहा है, यही हालात है। सर बाहर के लोग हमें मारेंगे, हम तो अंदर के ही मारने वाले हैं।
यही हालात है, हमें सब अंदर के ही मारेंगे, बाहर से कौन मारने आएगा? जब हम आपस में इकट्ठे नहीं है तो बाहर से क्या होगा? आपको लगता है, हम कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इंडिया है, हिंदुस्तान है, उससे बड़ा दुश्मन क्या हमारे आपसी लोग नहीं है? हम सब जितने भी हैं हम आपस में दुश्मन हैं, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। आज हम एक होते इंडिया हमारा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता हमारा। उसके मुल्क के हालात इतने बेहतर हो गए, इतने बेहतर हो गए कि आज दुनिया की पांचवी बड़ी मौसत, और हम देखे हम आज भी कह रहे हैं कि भाई हमें पानी नहीं मिलता। जीरो पे है, मेरा ये कहना है कि हम जीरो पे हैं। सिर्फ ये हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को अल्लाह पाक चला रहा है, इसके अलावा मैं नहीं मानता। आप समझते हैं हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? वो अलहदा चीज है, क्योंकि हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। अब वो जंगे थोड़ी है, वो जज्बे थोड़ी है कि भाई घोड़ों पे जाएंगे और फतह करके आएंगे। ऐसा होता तो हम चार जंगे हारे भी तो है ना, जीत जाते हैं। आज अगर मैं थोड़ी सी एक बार करता हूँ फलस्तीन की, अगर हम उस टॉपिक की तरफ जाएं तो हम लोग कुछ भी नहीं है, इंडिया हमसे बहुत अच्छा है। क्योंकि जब हमने उनका साथ नहीं दिया तो पाकिस्तान क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। क्या कह रही आप? अच्छा ये आखिरी सवाल है एक आपसे, क्या वजूहत है 76 सालों में हमने वो तरक्की नहीं की लेकिन उन्होंने वो तरक्की कर ली? क्या ऐसी पॉलिसीज, क्या ऐसी चीजों को उन्होंने अपना लिया? बदतर हालात होते जा रहे हैं, कहाँ तरक्की की है, कौन सी तरक्की हुई है? मैं कह रही हूँ इधर तरक्की नहीं की, उन्होंने तरक्की कर ली। उन लोगों ने वाकई तालीम के लिहाज से बहुत आगे है, वो लोग तालीम के हुकूमत अच्छी है, उनकी हुकूमत अच्छी है, उनके जो भी है वजीर आजम है या सदर है, जो भी एक सिस्टम है अच्छा है, हमारा अच्छा नहीं है। हम तो उन्हें बुरा कहते हैं। किस कैसे बुरा? मतलब हम उन्हें कहते हैं उनके पॉलिटिशियंस जो हैं, उनके जो पीएम हैं, वो बड़े बुरे हैं मुसलमानों पे। आपके सामने है ना कि वो कैसे गुजर रहे हैं, किस तरह के हालात, आप भी जानती हैं मैं भी जानता हूँ, और अपने क्वेटा के या लाहौर के हालात देख लें, क्या पोजीशन है, आपको खुद पता चल जाएगा। उनका जिसके लिए हम लड़ते हैं कश्मीर, वो इतना डेवलप हो गया और हम क्वेटा को नहीं, आप कह रहे हैं सही हो पाया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आखिर में कि क्वेटा हमारा यहाँ से बहुत पीछे है, कि हमें हर सिंध भी बड़ा पीछे, बलोचिस्तान भी बड़ा पीछे, सिर्फ पंजाब ही सही जा रहा है। सिंध भी अच्छा है, मैं कराची भी गया हूँ, हर यानी तकरीबन आधा पाकिस्तान में फिरा हूँ, लेकिन क्वेटा में हर चीज महंगी है। अच्छा। कारोबार नहीं है, सर्दी ज्यादा है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी हम लोग 2400 रुपए का टैंकर खरीदते हैं, जो माशाल्लाह मेरी फैमिली बड़ी है, मेरे घर बड़ा है, जो हमारे सिर्फ एक दिन चलता है, एक दिन या डेढ़ दिन चलता है, गवर्नमेंट का पानी कोई नहीं है, ये सिस्टम है सारे। हम तरक्की कर लेंगे, कोई तरक्की नहीं कोयटा के लिए। थैंक यू। कोई तरक्की नहीं कोयटा के लिए। सर मुझे बताइएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात कहाँ जा रहे हैं, क्या इस टाइम जो हमारी इकोनॉमी, हमारी चीजें मतलब मैनिपुलेट हो चुकी हुई हैं, क्या उनका कंपैरिजन हम अपने पड़ोसी मुल्क जो कि इस टाइम पांचवी बड़ी मौसत है उनके साथ कंपैरिजन में कर सकते हैं कि भाई उनके हालात हमारे जैसे या हमारे उनके जैसे हैं? एक्चुअली जब से मैं छोटा था तब से सुनता आ रहा हूँ कि इकोनॉमी हमारी इसी तरह चलती आ रही और प्राइसेस भी बढ़ती आ रही है, तो एक्चुअली जब तक हमारी हुकूमत कोई स्टेबल नहीं होगी, 5 साल पूरे नहीं करेगी, तो तब तक ये मसले मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट शुरू होता है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ होता तो हमारी गवर्नमेंट चली जाती है, फिर नेक्स्ट जो आता है वो उसको चेंज कर देता है या उसको डिले करता है, तो वो कॉस्ट भी हमें पड़ती है, वो सारी चीजें जो जब मिलती हैं तो फिर सारे ये चीजें। सर आप सोचिए, आप छोटे थे, आप तब से सुन रहे हैं, मैं आपसे काफी छोटी हूँ, मैं कब से सुन रही होंगी, मेरा क्या प्रेजेंट होगा, ये बच्चे जो कि कल के मतलब जनरेशन है ये क्या करेंगे, पाकिस्तान के हालात कहाँ जा रहे हैं? लेकिन अभी तब हमें पेरेंट्स बताते थे यार हालात बुरे हैं, लेकिन अभी बच्चों, ये छोटे बच्चे हैं, इनको भी पता है कि यार हालात इस तरह खराब है। 1 रुपए वाली टोपी 5 रुपए की मिलेगी तो ऐसे ही लगेगा। बिल्कुल वही ना, तो वो जब ये कहते हैं तो फिर मैं कहता हूँ यार ये भी स्ट्रेस में है इस वजह से, और दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान। क्या हमारा मुल्की जो इस टाइम निजाम है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है या जो भी है, इसका कंपैरिजन हम हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं कि नहीं? हिंदुस्तान के साथ अभी एक टाइम था जब हम ऊपर जा रहे थे, लेकिन अभी हम मुसलसल नीचे की तरफ जा रहे हैं और वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि पॉलिसीज में तसलसल है वहाँ पे, और हमारी पॉलिसीज बनती है फिर टूट जाती है, बनती है फिर टूटती है, तो वही बात है, जब तक एक बंदा नहीं घर में भी, अगर आप रोज चेंज करते रहेंगे तो आपका घर भी खराब होगा। बिल्कुल सर, आज की एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी न्यूज, उसको देख के मैं खुद भी हैरान हो गई, उनका एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, आपने शायद सुना ही हो, उसका शेयर उनकी इकोनॉमी में तीन गुना है, और सेकंड लार्जेस्ट उत्तर प्रदेश जो है उनकी इकोनॉमी का बन गया है स्टेट, और उनके स्टेट जो उत्तर प्रदेश है उसकी GDP पूरे पाकिस्तान की GDP के मुताबिक है। कैन यू बिलीव दिस? बिल्कुल ऐसे ही, अभी देखिए ना हमारा सियालकोट, हमारा कराची, लोग अभी बाहर जा रहे हैं, हमारा जो भी बड़ा होता है बच्चा वो कहता है मैंने बाहर जाना है, पेरेंट्स भी कहते हैं एक बच्चा बड़ा जो है उसको बाहर भेजो, तो पहले लोग कराची जाते थे, सियालकोट जाते थे जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन अभी सारे लोग जो है ना वो बेचारे बाहर जा रहे हैं, और ये अल्लाह करे पाकिस्तान के मुल्क हालात बेहतर हो जाए।
तो क्या हम उनको काउंटर कर सकते हैं कि हम आपसे मतलब आगे निकल सकते हैं, इंडिया को हम ये वार्न कर सकते हैं? हमें जीत हार थोड़ी करनी है, हमने तो अपने हालात बेहतर करने हैं कि मतलब वो हो इसी वो एक ही चीज से होंगे। अगर हमारी कोई भी हुकूमत ठहरे, किसी को भी 5 साल पूरे करने दें, और मतलब बल्कि 10 साल जो भी देखें यूरोपियन कंट्रीज में वहाँ पे 10 साल हुकूमत रहती है, अमेरिका इवन वहाँ पे 10 साल 15 साल, तो फिर पॉलिसीज में तसलसल चलता है ना। इंडिया में भी 30 साल ही नहीं हो रहा, हमारे जैसे वो तो यूरोप और चले बाकी को तो छोड़े, वो हमारे जैसे मिलते भी नहीं है, इंडिया तो हमारे जैसे मिलता है। 30 साल ही नहीं हो रहा, मोदी आ गया बिल्कुल वही, तो इसीलिए अभी वो देखें चांद पे जा रहे हैं, सूरज पे जा रहे हैं, और अब हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम मुसलसल अपनी जो है ना पैसे को डीवैल्यू कर रहे हैं। मैंने तो अभी घर से केबल ही उतरवा दी है इस वजह से, क्यों देखूं और अपना दिल जलाऊं कि यार ये क्या हो रहा है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तानी नहीं मानते वो चांद पे सूरज पे जा रहे हैं? वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मानते हैं जा रहे हैं वो। देखिए ना वो कोई अहमियत थोड़ी, आप नेट पे देखें टेक्नोलॉजी फास्ट है उनकी, और वो देखें उनकी टेक्नोलॉजी वाइज वो कितने ऊपर जा रहे हैं, आईटी लेवल उनका कितना हाई जा रहा है, और वो वहां से बड़ा अर्न कर रहे हैं वो आईटी से। तो हमारा पाकिस्तान चाइना को गधे देता है और दूसरी जानिब इंडिया टेक्नोलॉजी में आईटी देता है उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कंपैरिजन देखे कि हम गधे देते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं देने को, और वो आईटी की टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अभी हमारे जो कंट्रीज है वो हमें सपोर्ट तो करती है, बल्कि इवन के दूसरे ममालिक चाह रहे हैं पाकिस्तान थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाह रहा, पाकिस्तान खुद नहीं चाह रहा कि हम ऊपर जाएं। नहीं सर, मैं नहीं मानती कि दूसरे ममालिक चाह रहे हैं। हम देखे ना सर, सऊदी के इन्वेस्टमेंट आनी थी पाकिस्तान में, एमबीएस ने 100 बिलियन डॉलर की करनी थी, उसने नहीं की, 3 दफा उसने इधर आना था, कैंसिल करके इंडिया चला गया। सर कोई तो वजह है ना, कैसे वो आएंगे? वो उनको पता है कि यहाँ के हालात का पता नहीं चलता, एक गवर्नमेंट आती है वो उनके साथ मुआयदा करते हैं। अभी देखिए सी पैक कब से शुरू हुआ है, और उस दौरान जरदारी के टाइम में शुरू हुआ था ये, तो अभी इमरान खान भी चला गया, नवाज शरीफ भी चला गया, अभी फिर देखें कौन आता है, तो मतलब वो फिर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? उनको पता है इनकी स्टेबिलिटी नहीं है, ये कभी भी जा सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। मैं बच्चे से छोटी सी बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में बेटा? सिक्स में हो। अच्छा मुझे बताओ, हमारे जो है पाकिस्तान के दुश्मन सबसे बड़ा कौन है दुनिया में? इंडिया। देखिए सर हमने अपने बच्चों को क्यों ऐसा सिखाया सर? इंडिया नहीं, वो एक्चुअली मतलब न्यूज पे सुनते हैं ना, हम आए दिन कुछ ना कुछ उनके साथ हमारा क्लैश चलता रहता है ना। हम ऐसी चीजें बताएंगे, ऐसी चीजें क्रिएट करेंगे, कल को ये बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? क्रिमिनल्स चीजों में सोचेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया में बच्चे ऐसे नहीं है, इतने